Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to class 5th. Class 5th के student, be alert. Computer की आपकी class है ये. Question answer day 2nd. आज हमारा day 2nd चलेगा. Class 5th subject computer lesson 1st. Guys, ये 5th class वाले बच्चों की book है. फर्स्ट यूनिट टेस्ट आपका 25 अगस्त को होने वाला है, ध्यान रखिए. उसमें से कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके इसी लेसन में से आपके आएंगे. तो देखिए गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, कल हमने आपकी इसकी समरी बताई थी, कंप्यूटर इट्स हिस्ट्री. तो हमने कल इसकी हिस्ट्री को दिखाया था, आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं. तो गाइस, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, पेज नंबर आप देखेंगे, पेज नंबर कितना है, ये 12. पेज नंबर कितना है, 12. ये आपका पेज नंबर 12 है और पेज नंबर 12 पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स. फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स. हेवन अर्थ एनिएक 1823 1803 हॉवर्ड एकिन ग्रेस होपर. ये लिखा हुआ है. तो यहाँ लिखा हुआ है, अब आपको क्या राइट को भरना है, जहां पे रिक्त स्थान है वहां पे राइट चीज को भरना है. तो कैसे भरना है देखिए. डिफरेंस इंजन वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर. जो डिफरेंस इंजन है उसका आविष्कार हुआ था इन द ईयर, कौन सी ईयर में, इनमें से सब में छाटेंगे 1823. मैंने यहाँ फिलअप कर दिया है. ओके गाइस, ऐसे आपको फिलअप करना है. एग्जाम में आपको रिक्त स्थान दिया गया होगा, वहां पे आपको ऐसे फिलअप करना है 1823, यानी कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1823 में किया गया था. डिफरेंस इंजन वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1823. अब आप देखिए, एबेकस हैज टू पार्ट्स, नेमली हेवन एंड अर्थ. एबेकस के दो भाग होते हैं, ऊपर वाले भाग को हेवन कहते हैं, नीचे वाले भाग को अर्थ कहते हैं. तो हेवन हैज टू पार्ट्स, नेमली हेवन, देखिए हेवन और अर्थ, हेवन एंड अर्थ. एबेकस हैज टू पार्ट्स, नेमली हेवन एंड अर्थ. तो एबेकस के दो भाग होते हैं, एक हेवन होता है एक अर्थ होता है. तो गाइस, इस तरीके से रिक्त स्थान में आपको फिलअप करना है और यहां से लेना है, इस ब्रैकेट में से ले लिया. अब देखिए, इन 1946 में जॉन मॉकले एंड जे प्रियस पर एकर्ट डेवलप, इन्होंने क्या डेवलप किया था, एनिएक, ENIAC. तो यहां पे रिक्त स्थान में अपन को एनिएक भरना है, जो कि मैंने आपको इस तरीके से फिलअप कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 4, जैक क्वार्ट्स लूम वाज डिजाइंड इन द ईयर. जैक क्वार्ट्स का जो लूम है वो डिजाइन किया गया था कौन से साल में, 1801 में. देखिए, इसमें से आपको यहां से लेना है ब्रैकेट में से, और यहां से आपको ये लेना है 1801, यहां पे आपको फिलअप करना है कि जैकवर्ड्स लूम वाज डिजाइंड. जैकवर्ड लूम बनाया गया था कौन से साल में बनाया गया था, 1801 में बनाया गया था. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन्वेंटर ऑफ मार्क फर्स्ट. इन्वेंटर ऑफ मार्क फर्स्ट के जो आविष्कारक हैं हॉवर्ड एकिन एंड ग्रेस होपर, ये दो रहे हैं इन्वेंटर ऑफ मार्क फर्स्ट के जो इन्वेंटर हैं, एक तो हुए हैं हॉवर्ड एकिन एंड एक हुए हैं ग्रेस होपर. तो ध्यान रखिए, इनको रिक्त स्थान में भरना है ऐसे, हॉवर्ड एकिन एंड ग्रेस होपर. मैंने रिक्त स्थान में ऑलरेडी फिलअप कर दिया है. तो गाइस, इस तरीके से आपको यहाँ पे फिलअप करना है, इनको यहाँ पे ले करके यहाँ पे फिलअप करना है, रिक्त स्थान में ऐसे फिलअप करना है. अब गाइस देखिए, क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. देखिए, ये आपकी बुक में है, पेज नंबर 12 है. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. अगर सही है तो ट्रू लिखिए और फॉल्स है तो झूठा है तो एफ लिखिए. एनालिटिकल इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई चार्ल्स जॉन्स. एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स जॉन के द्वारा किया गया. तो गाइज, ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था. देखिए, यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, एनालिटिकल इंजन इज इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ डिफरेंस इंजन विच वॉज डेवलप्ड बाई चार्ल्स बेबेज. इसलिए मैं इसको चार्ल्स जॉन्स जो लिखा है ये फॉल्स है, मैं इसको फॉल्स कर रहा हूं, मैंने राइट कर दिया है ये फॉल्स. ओके गाइस, ऐसे आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है. सेकंड, एबेकस
अवेकस वॉच आल्सो इन्वेंटेड बाई रशियन साइंटिस्ट. अवेकस रशियन साइंटिस्ट के द्वारा भी आविष्कृत किया गया था. गाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये बिल्कुल फॉल्स है. केवल चाइनीज लोगों ने ही अवेकस का आविष्कार किया गया था, तो यहाँ पे चाइनीज आएगा गाइज, ध्यान रखिए. इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को फॉल्स बताया है. हॉबर्ट एकिन एंड ग्रेस होपर डिजाइन द मार्क फर्स्ट सीरीज. ये बिल्कुल सही है कि हॉबर्ट एकिन ने और ग्रेस होपर ने डिजाइन किया गया था, बनाया था मार्क फर्स्ट सीरीज को. गाइस ये सेंटेंस बिल्कुल ट्रू है. अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. यूनिवैक इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. यूनिवैक पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है. इस गाइस हमने इसको फॉल्स माना है. क्या माना हमने इसको? फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स माना है गाइस कि यूनिवैक इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है. इसको हमने फॉल्स माना है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल असत्य वाक्य है. पास्कल वाज ए फ्रेंच मैथमेटिशियन. पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे. तो गाइस ये पेज नंबर है आपके 13 पे, ये बिल्कुल ट्रू है. इसको हमने ट्रू बताया है. तो गाइस ध्यान रखिए, जो फॉल्स है वो जो ट्रू है वो ट्रू है. तो इस तरीके से आपको करना है, इनको तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और इनको बताना है ट्रू और फॉल्स कौन सा है. वेरी सिंपल क्वेश्चन पेपर है गाइस, बहुत ही इस तरीके से आपको इसको फेयर में करना है. इस होमवर्क को आपको फेयर में करेंगे और कल हम आपका सी मेक शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इन पे काम करेंगे. जिन बच्चों के पास बुक नहीं लेके आए अभी तक वो मार्केट से, कृपया करके वो आईटी हब पार्ट 5th जरूर से जरूर ले आए और अपना वर्क जरूर कर ले गाइस. जिन बच्चे मोबाइल का यूज नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी बुक ला करके अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं. ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय.